हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशनल केमिस्ट्री, जिसमें हम आइसोमेरिज्म की बात कर चुके थे और थ्योरीज में पढ़ रहे थे। थ्योरीज में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, जिसके अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है मेटल लिगेंड के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो कौन सा था, कोवेलेंट इंट्रैक्शन था। और हाइब्रिडाइजेशन से उसे समझाया था कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन है और कैसे जियोमेट्री निकलती है। अब दूसरी बात करते हैं हम CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हालांकि नाम इसका फील्ड थ्योरी है, बाद में ये क्रिस्टल पे अप्लाई की गई इसलिए इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोला गया। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, वैसे ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोला गया। ये फिजिक्स से ली गई है, केमिस्ट्री में सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, पूरी फिजिक्स की थ्योरी है, सॉलिड स्टेट की थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये क्या कहती है कि जो इंट्रैक्शन है वो क्या है, प्योरली आयोनिक है। किसमें, मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो कौन सा है, प्योरली आयोनिक है। इसका सबसे बड़ा स्टेटमेंट तो यही है कि ये प्योरली आयोनिक है। ये बोलता है कि मेटल क्या होती है, पॉजिटिव होती है, पहले इलेक्ट्रॉन निकालती है, और जो लिगेंड आ रहा है उसके पास या तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे में है तो कौन सा है, आयन आयन इंट्रैक्शन है, आयन आयन इंट्रैक्शन है, और ये प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए आयन आयन इंट्रैक्शन से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। या फिर क्या होता है, मेटल पॉजिटिव होता है, लिगेंड के पास कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन ये क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर के कारण से क्या बोल दिया इसने, डाइपोल। ये तो क्या है, डाइपोल, और ये क्या है, आयन आयन, तो इसके बीच में आयन और डाइपोल इंटरेक्शन होता है, आयन आयन इंटरेक्शन होता है, या आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है मेटल और लिगेंड के बीच। और जब लिगेंड मेटल के पास आती है तो कोवेलेंट फॉर्मेशन बनता है। ये किसने बोला, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। और फिर इसने क्या बताया कि देखिए बॉन्ड बनता कैसे है, बॉन्ड इससे बनता है कि ये मेटल है कोई पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, मेटल है पॉजिटिव, तो उसके नाभिक में क्या है, प्लस चार्ज है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नाभिक में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और मेटल के ऊपर भी प्लस चार्ज है, तो ये मेटल प्लस है ना, वो लिगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लिगेंड को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, और ये जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। यही फोर्स अट्रैक्शन फोर्स, मेटल का नाभिक, मेटल जो पॉजिटिव चार्ज मेटल है वो लिगेंड को, लिगेंड के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल माना गया, इसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल माना गया, और कौन सा चार्ज माना गया, इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के तहत इसे क्या माना गया, पॉइंट चार्ज, कि ये क्या है, पॉइंट चार्ज है, ये भी क्या है, पॉइंट चार्ज है। और फिजिक्स में 11वीं में सभी पढ़ते कि दो पॉइंट चार्ज हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज को, जो आयन हो सकता है या डाइपोल हो सकता है, उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये लिगेंड इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इस अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी इंट्रैक्शन, प्राइमरी इंट्रैक्शन, प्राइमरी इंट्रैक्शन। इस प्राइमरी इंट्रैक्शन के कारण लिगेंड इसकी तरफ आएगा और बॉन्ड बनेगा। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो मेटल और लिगेंड बनने का रीजन क्या है, रीजन यही है। रीजन कोई पूछे मेटल लिगेंड क्यों बन रहा है, क्योंकि मेटल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, लिगेंड नेगेटिव चार्ज पॉइंट है, दोनों के बीच इंट्रैक्शन होता है और इंट्रैक्शन के कारण क्या करता है, बॉन्ड बनता है। कोई CFSC जिसने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रखी है, क्रिस्टल फील्ड CFSC, जोन टेलर डिस्टॉर्शन, कुछ भी कोई फैक्टर नहीं है, सब के सब सेकेंडरी फैक्टर है जो क्रिस्टल में इफेक्ट होते हैं, स्टेबलाइज कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन स्टेबलाइज हो क्यों रहा है, उसका एक ही रीजन है कि इनके बीच में क्या लग रहा है, इंट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, इंट्रैक्शन लग रहा है। अब देखना, जब मेटल प्लस चार्ज है, इसके चारों तरफ ये है ऑर्बिटल है, प्लस है ऑर्बिटल है, यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और प्लस में क्या है, ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल है ना। एक बार जनरली ये लिगेंड आ रहा है, लिगेंड को मेटल क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, ये क्या है, प्राइमरी इंट्रैक्शन। और ये लिगेंड भी मेटल के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब मेटल का नाभिक लिगेंड को अपनी तरफ बुला रहा है कि भाई आजा आजा, मुझे तेरी जरूरत है, आजा, ये इसकी तरफ भागा भागा रहा है, भागा भागा आ रहा है, बीच में ये ऑर्बिटल आ गया, ऑर्बिटल बोल रहा है भाई कहाँ जा रहा है,
नाभिक के पास तो मैं हूँ, नाभिक का शील्ड डिफेक्ट कर रहा है, शील्ड कर रहा है नाभिक को, तो जब ये लिगेंड नाभिक को अट्रैक्ट, नाभिक न्यूक्लियस इस लिगेंड को अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस इस लिगेंड को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जब लिगेंड इस तरफ आ रहा है तो इस ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है, इंट्रैक्शन कर रहा है। इस ऑर्बिटल के साथ इंट्रैक्शन के कारण ये ऑर्बिटल क्या चले जाते हैं, हायर एनर्जी पे चले जाते हैं, हायर एनर्जी पे चले जाते हैं। इस इंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी इंट्रैक्शन। तो जब लिगेंड आता है तो दो इंट्रैक्शन करता है, एक मेटल के साथ करता है, एक क्या करता है, लिगेंड के साथ करता है। मेटल के साथ क्या होता है अट्रैक्शन, सॉरी लिगेंड दो तरीके इंट्रैक्शन करता है, एक करता है न्यूक्लियस के साथ और एक करता है ऑर्बिटल के साथ। लिगेंड जब आता है तो दो इंट्रैक्शन करता है, एक तो न्यूक्लियस के साथ करता है, एक ऑर्बिटल के साथ करता है। न्यूक्लियस के साथ क्या करता है अट्रैक्शन, ऑर्बिटल के साथ क्या करता है रिपल्सन। अट्रैक्शन होता है तो न्यूक्लियस कहां चला जाता है, लो एनर्जी पे, ये कहां चले जाते हैं हाई एनर्जी पे, और हाई एनर्जी पे चले जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं स्प्लिट, ठीक है, डीजेनरेसी बिकम लो, डीजेनरेसी क्या हो जाती है कम हो जाती है, हाई एनर्जी पे चले जाते हैं तो ये स्प्लिट हो जाते हैं। और तो समझ में आया कि क्रिस्टल फिटोरियम क्या होता है, मेटल का न्यूक्लियस लिगेंड को अपनी तरफ बुलाता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, दोनों अट्रैक्ट होते हैं आपस में बुलाते हैं, तो ये इसकी तरफ आ रहा है भागा भागा। तो बॉन्ड बनने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ यही है, ये तो क्या करता है इफेक्ट करता है, या तो स्टेबलाइज कर देगा या डिस्टेबलाइज कर देगा। तो जब ये आया तो ये बीच में क्या था, लिगेंड था, लिगेंड था, इस लिगेंड ने क्या किया, इसके साथ इंट्रैक्शन कर लिया, इसके साथ इंट्रैक्शन कर लिया। जैसे ये आप, ये क्लास की कोई लड़की है जिसे आप पसंद करते हो, जिसे आप पसंद करते हो, तो आप इसे पसंद करते हो तो आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हो, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, घर वाले तो क्या है सेकेंडरी फैक्टर है, या तो वो क्या करेंगे आपके रिश्ते को कमजोर कर देंगे, या आपका फ्रेंड है या उसकी फ्रेंड है, उसकी फ्रेंड है या क्या है ऑर्बिटल क्या है इस लिगेंड की फ्रेंड है, ये क्या है सेकेंडरी फैक्टर, या तो रिश्ते को कमजोर कर देगी या स्ट्रॉन्ग कर देगी। लेकिन रिश्ता बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल तो आप दोनों हो ना, वही बात यहाँ पे है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो पॉजिटिव और नेगेटिव रेस्पॉन्सिबल है, ये तो क्या है सेकेंडरी फैक्टर है, तो ऑर्बिटल के साथ रिपल्सन करता है, ये इससे के चले जाते हैं हायर एनर्जी पे चले जाते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि जो ऑर्बिटल जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन करेगा उतना ही ज़्यादा हायर एनर्जी पे चला जाएगा, है ना, इंट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, इंट्रैक्शन क्या होगा हाई होगा, उसकी एनर्जी उतनी ही क्या होगी हाई होगी, उसकी एनर्जी उतनी ही क्या होगी हाई होगी। जिस ऑर्बिटल के साथ जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा उसकी एनर्जी उतनी ही क्या होगी हाई होगी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल केस की, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रल में क्या होते हैं, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, लिगेंड कितने हैं 6, और लिगेंड 6 किसी मेटल की तरफ अप्रोच करेंगे तो बेस्ट स्टेबल अप्रोच कौन सी है, सबसे स्टेबल अप्रोच कौन सी है कि वो क्या आए 6 डायरेक्शन से आए, 6 डायरेक्शन से आए यानी कि एक्सिस पे आए, है ना, सबसे सुटेबल। जैसे ये मेरा क्यूब है, क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, यहां पे आपका क्या है मेटल पॉजिटिव है, यहां पे आपका क्या है मेटल पॉजिटिव है। अब आपको 6 लिगेंड लाने हैं, अब आपको क्या करने हैं 6 लिगेंड लाने हैं, तो सबसे स्टेबल कहां से है 6 लिगेंड क्या है, इस क्यूब में कितने फेस हैं 6 फेस हैं, तो एक इस फेस के अकॉर्डिंग आए, दूसरा इस फेस के अकॉर्डिंग आए, तीसरा इस फेस के अकॉर्डिंग आए, चौथा इस फेस के अकॉर्डिंग आए, है ना, और पांचवा क्या है इस फेस के अकॉर्डिंग आए, और छठा इसके जस्ट अपोजिट फेस के अकॉर्डिंग आए, ऐसा ही आए ना, ऐसा ही आए ना। तो 6 लिगेंड आने हैं, सबसे बेस्ट स्टेबल क्या है इस फेस के, सिमेट्री में आएंगे
और इस क्यूब के फेस पे आएंगे। और इस क्यूब का फिर से देखेंगे तो हम क्या मानेंगे, देखना ये एक्सिस मान सकते हैं, इस एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन मान सकते हैं, ये एक्स एक्सिस मान सकते हैं, इसे वाई एक्सिस मान सकते हैं, इसे जेड एक्सिस मान सकते हैं। तो सबसे बेस्ट टेबल यही है ना। तो लिगेंड जब मेटल की तरफ आ रहा है तो भागा भागा आ रहा है, बीच में क्या है, ऑर्बिटल है, ठीक है। तो जब मेटल का तो आपको एनर्जी लेवल पूछे, मेटल का एनर्जी लेवल पहले ये था, तो आफ्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद तो मेटल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। पहले ये था, बाद में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद न्यूक्लियस का आपको पूछे एनर्जी लेवल, तो न्यूक्लियस का चला जाता है लोअर एनर्जी में, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है, लोअर एनर्जी में चला जाएगा। ये तो क्या है, प्राइमरी इंट्रैक्शन है। अब सेकेंडरी इंट्रैक्शन कैसे होता है देखना, ऑक्टाइडल की बात कर रहा हूँ मैं, ऑक्टाइडल की। तो जब आएंगे तो कौन कौन से ऑर्बिटल रिपेल महसूस करेंगे, डी पी और एस। तो सबसे पहले डी की बात करता हूँ मैं, डी की बात करता हूँ। यहाँ पे डी ऑर्बिटल देखना कैसे है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल देखना कैसे है, मैं फिर से बनाता हूँ एक बार डायग्राम। ये क्यूब है ना, जिसमें मेटल है, मेटल में डी पांच ऑर्बिटल होते हैं। डी के ऑर्बिटल कितने होते हैं, पांच, ये तो सभी को पता है। कौन सा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तीनों क्या होते हैं, बिटवीन द एक्सिस। और डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस। तो डी जेड स्क्वायर कैसे होगा, ये मान लिया मैंने, ये जेड एक्सिस मान लिया ना, जेड, ये डी जेड स्क्वायर है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। और डी एक्स वाई डी वाई कैसे होंगे, वो यहाँ पे होंगे देखना, आपका लिगेंड कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, है ना, समझ में आ रहा है। ये आपका कौन सा ऑर्बिटल है, डी वाई जेड, ठीक है, या डी एक्स जेड। ये कौन सा है, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो जब ये लिगेंड यहां से आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं लिया, आपके पांच ऑर्बिटल यहां पे थे, पांचों क्या थे, सेम थे। डी जनरेसी कितनी है, पांच है। ये डी क्या है, ग्राउंड स्टेट है, पहले ग्राउंड स्टेट में था। डी के पांचों के पांचों क्या थे, नीचे थे, आपके यहां पे थे। अब दूर से ये लिगेंड आए, दूर से ये लिगेंड आए, यहां से, यहां से आए, तो दूर से आए तो ये रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे डी ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, बराबर रिपेल हो रहे हैं, सारे के सारे डी ऑर्बिटल बराबर रिपेल हो रहे हैं। जब ये दूर है तो ये सिमेट्रिक फील्ड है, और सिमेट्रिक फील्ड में बराबर रिपेल हो रहे हैं, तो ये हायर एनर्जी पे जा रहे हैं, और ये क्या चला गए, हायर एनर्जी पे चले गए, हायर एनर्जी पे चले गए, डी एक्साइटेड स्टेट, इसे क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ये हायर एनर्जी पे चले गए। जैसे जैसे लिगेंड पास आए, जैसे जैसे लिगेंड पास आए, लिगेंड क्या है, एक्सियल है, एक्सियल अप्रोच कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल है, तो सिक्स लिगेंड होंगे तो एक्सिस पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ये आ रहे हैं फेस के सेंटर से, फेस फेस सेंटर से, वो हमने एक्सिस मान ली, तो ये एक्सिस से आ रहे हैं, एक्सिस से आ रहे हैं, तो एक्सिस पे क्या हो रहा है, ये एक्सिस पे एलोंगेट हो गए, तो वो ऑर्बिटल जो एक्सिस पे है उन पर रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो लिगेंड एक्सिस पे है उन पर रिपल्सन ज़्यादा होगा, यानी कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दोनों क्या है, एक्सिस पे है, इनकी लोब क्या है, एक्सिस पे है। तो ये जब एक्सिस पे आ गए तो एक्सिस वाले रिपेल ज़्यादा महसूस करेंगे, तो एक्सिस वाले कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। दो ऑर्बिटल कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, है ना, और बाकी तीनों क्या है, जो एक्साइट हुए थे वो बोले कि हम तो फालतू ही एक्साइट हुए, हम तो क्या है, फालतू ही एक्साइट हुए, ये तो भाई इससे मिलने आ रहा था, स्टार्टिंग में दूर थे, दूर थे तो पांचों एक्साइट हुए, पांचों क्या हुए, एक्साइट हुए, लेकिन यहां पे तो क्या है, ये तो इससे मिलने आ रहा था, इससे मिलने आ रहा था, बाकी क्या चले जाएंगे, वापस अपनी एनर्जी रिलीज कर देंगे, वापस अपनी रिलीज कर देंगे, ठीक है। देख रहे, इस चीज को समझना, ये क्या हुआ कि पांच दोस्त हैं, पांच दोस्त हैं, ठीक है,
सामने से एक लड़की आ रही है मुस्कुराती हुई, आपको देखते हुए मुस्कुराती हुई, तो पांचों के पांचों है ना एकदम मस्त बाल बाल बनाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, पांचों के पांचों क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, है ना, उसे देखते कि भाई क्या सुंदर लड़की आ रही है और अपनी तरफ स्माइल भी कर रही है, पांचों के पांचों एक्साइट हो जाएंगे, शायद किसी अपनी तरफ कर रही हो तो पांचों के पांचों के एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइट हो गए। अब वो पास आई पास आई पास आई, अब दिखने लगा कि भाई वो तो एक पर्टिकुलर आदमी की तरफ देख रही है, पर्टिकुलर की तरफ देख रही है, पांच दोस्त आए दूर से तो किसी को पता नहीं कहाँ से दिख रही है, तो सारे के सारे क्या हुए, एक्साइट हुए। जैसे जैसे पास आई वो दिखने लगी कि उसकी नज़र एक पे ही है, तो उस एक तो वो एक तो क्या होगा और ज़्यादा एक्साइट हो जाएगा कि भाई मेरे को देख रही है, और बाकी चार क्या हो जाएंगे, वापस क्या हो जाएंगे, बाकी चार क्या हो जाएंगे, थोड़े वापस लो एनर्जी में चले जाएंगे, वापस क्या हो जाएंगे, यार ये तो इसकी तरफ देख रही है, तो जो एक्साइट हुए थे वो वापस क्या हो गए, कम हो गई। वही केस डी ऑर्बिटल में जब लिगेंड दूर से आ रहे थे तो सारे के सारे एक्साइट हो गए भी लिगेंड अपनी तरफ आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे पास आया पता चला कि भाई ये तो एक्सियल वालों से मिलने आ रहा है, एक्सियल वालों से मिलने आ रहा है, तो जो बिटवीन द एक्सिस थे, बिटवीन द एक्सिस कौन थे, डी एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये क्या थे, बिटवीन द एक्सिस थे, ये तो क्या हो जाएंगे वापस अपनी एनर्जी निकाल देंगे, वापस क्या हो जाएंगे, डीले डाले पड़ जाएंगे, यार लिगेंड तो अपने से मिलने आए ही नहीं, और ये क्या हो जाएंगे, इसकी इनकी एनर्जी इसको मिल जाएगी, ये ज़्यादा एक्साइट हो जाएंगे, यहाँ जो एक्साइट हुए थे कुछ वापस डिस्टेबलाइज हो गए, अपनी एनर्जी इनको दे दी, ये ज़्यादा एक्साइट हो जाएंगे कि भाई हाँ हमसे मिलने आ रहे हैं, तो ये दोनों ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग हो जाएगी, ये एक्साइटेड स्टेट, ये तीन चले जाएंगे, ये दो चलेंगे, ये जब तीन चले गए, पहले पाँच थे, देखना डिजनरेसी में पहले पाँच थे, अब ये तीन है, ये दो, डिजनरेसी का मतलब जानते हो ना, डिजनरेसी का मतलब होता है सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम डिजनरेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे पांच ऑर्बिटल सेम एनर्जी रखते थे, तो डिजनरेसी कितनी थी, पांच थी, ये स्प्लिट हो गए, कितने में हो गए, ऑर्बिटल स्प्लिट हुए। सीएफटी क्या कहती थी कि लिगेंड आएंगे जिस पे ज़्यादा रिपल्सन लगेगा वो हायर एनर्जी पे चले जाएगा, जिस पे कम रिपल्सन लगेगा वो लो एनर्जी पे चला जाएगा, और दोनों स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट हो गए और क्या हुआ, डिजनरेसी कम होगी, पाँच से तीन में और दो में डिवाइड होगी, ये जिसमें तीन में टूटी इस ऑर्बिटल का नाम देंगे T2G, इन ऑर्बिटलों को बोलेंगे T2G। T2 का मतलब T2 सिमेट्री, T दिखाती है ट्रिपली डिजनरेटेड, T का मतलब होता है ट्रिपली डिजनरेटेड, 2 है आपकी सिमेट्री के लिए ही है, ग्रुप थ्योरी में आप पढ़ोगे कब 1 लगता है कब 2 लगता है, जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन लगाते हैं, है ना। और जी का मतलब है जीराडी, जीराडी या अनजीराडी किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री के लिए। ऑक्टाहेड्रल की सिमेट्री कैसी होती है, ऐसी होती है यहाँ पे इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट होता है, इन्वर्जन सेंटर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इससे किधर भी चले जाओ, यहाँ जाओगे लिगेंड है, यहाँ जाओगे लिगेंड है, यहाँ जाओगे लिगेंड है, यहाँ पे जाओगे लिगेंड है, यहाँ पे जाओगे लिगेंड है, यहाँ पे जाओगे लिगेंड है ना। इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन यूज होगा, जिराडे और अनजिराडे, जहाँ पे इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट होता है वहाँ पे हम जिराडे और अनजिराडे यूज करते हैं, तो यहाँ पे इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है इसलिए जिराडे और अनजिराडे यूज करेंगे। और डी ऑर्बिटल के बारे में आपने पढ़ा होगा, डी ऑर्बिटल कैसा होता है, ऐसा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ क्या होता है, सममित स्ट्रक्चर होती है, तो जिराडे साइन आएगा, इसीलिए वो स्ट्रक्चर जिसमें इन्वर्जन सेंटर मिलता है वहीं पर जिराडे अनजिराडे यूज करेंगे। तो ये आ गया जिराडे, इसे बोलेंगे ईजी, जी का मतलब वही जिराडे और ई का मतलब होता है डबली डिजनरेटेड। सिंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यदि एक ही ऑर्बिटल हो तो रिप्रेजेंट करते हैं ए या बी से, दो हो तो रिप्रेजेंट करते हैं ई से, तीन हो तो रिप्रेजेंट करते हैं T1 या T2 से, ठीक है। तो ई का मतलब है डबली डिजनरेटेड, जी का मतलब जिराडे, यानी कि स्ट्रक्चर क्या है अपनी, सिमेट्रिक है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया आपका, स्प्लिटिंग हो गई, है ना, ये स्प्लिटिंग हो गई। इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप को बोलेंगे डेल, डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, और ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल। इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप को क्या बोलेंगे, डेल ओ, डेल ऑक्टाहेड्रल। इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप को क्या बोलेंगे, डेल ओ, ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसे बोलते हैं टेन डी क्यू, या तो 1 डेल ओ ऑक्टाहेड्रल, या इसे DQ के, डी का मतलब होता है डेक्यूरल यूनिट, DQ का मतलब है डेक्यूरल यूनिट, ये होती है 10 डेक्यूरल यूनिट, डेल का मतलब क्या है, डेक्यूरल यूनिट, ये क्या होती है, 10 डेक्यूलर यूनिट होती है, ठीक है।
और जब देखना ये यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, एनर्जी जीरो है, इससे कुछ नीचे गया, इससे कुछ ऊपर गया, तो ये जो एनर्जी लेवल है जिस पे पहले था इसे बोलते हैं बैरी एनर्जी लेवल, बैरी एनर्जी लेवल, बैरी एनर्जी लेवल, इसे बोलते हैं बैरी एनर्जी लेवल, ठीक है, बैरी एनर्जी लेवल, बैरी सेंटर, या इसे बोलते हैं बैरी सेंटर, ठीक है। तो ये बैरी सेंटर से कितना नीचे गया और कितना ऊपर गया उसके बाद और करते हैं। तो देखना ये नीचे तीन ऑर्बिटल है, ऊपर दो ऑर्बिटल है, आपको पता होगा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी ना इधर भी डिस्ट्रॉय, एनर्जी ना इधर भी क्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये एनर्जी से जितनी एनर्जी है नीचे गया उतना ही एनर्जी क्या गया, ये ऊपर गया, तीन एनर्जी ने, तीन ऑर्बिटल ने जितनी लॉन्च की उतने दो ने एक्सेप्ट की, यानी कि टोटल एनर्जी इन पांचों की क्या रहनी चाहिए, इतनी रहनी चाहिए, इन पांचों की टोटल एनर्जी क्या रहनी चाहिए, इसके इक्वल ही रहनी चाहिए, इसके इक्वल ही रहनी चाहिए। तो ये देखो तीन है तो आपको पता होगा तीन रेशियो दो है, ये तीन ऑर्बिटल है और ये दो ऑर्बिटल है, तो इनकी एनर्जी क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, दो रेशियो तीन में कर दो, दो रेशियो तीन में कर देंगे तो इसके इससे कितना आएगा, दो बटा पांच, इसके इससे कितना आएगा, तीन बटा पांच। देखना ये तीन ऑर्बिटल है, ये दो ऑर्बिटल है, तो वो रेशियो वाला नियम एनर्जी लेवल क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, इसके रेशियो दो, इसके रेशियो तीन, टू रेशियो थ्री, टू रेशियो थ्री का मतलब दो बटा पांच और तीन बटा पांच, तो ये एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा, दो बटा पांच डेलो, और ये कितना हो जाएगा, थ्री बाई फाइव डेलो, ये टू बाई फाइव डेलो, ये थ्री बाई फाइव डेलो, क्योंकि दो से मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स बाई फाइव, तीन से मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स बाई फाइव, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल। ये है ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग, समझ में आ गई, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग, कि ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड क्या होते हैं, एक्सियल और इक्विटोरियल, अपने को पता है ये दोनों एक्सियल होते हैं, ये तीनों इक्विटोरियल होते हैं, डी एक्स वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर एक्सियल होते हैं, ये तीनों इक्विटोरियल होते हैं। तो जो लिगेंड एक्सिस पे, जो ऑर्बिटल एक्सिस पे है वो लिगेंड क्या आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल साइड से आ रहे हैं, तो जो एक्सिस पे है वो ज़्यादा रिपेल महसूस करेंगे, इसलिए ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे। इन दोनों के एनर्जी के पुट डेलो से रिप्रेजेंट करते हैं, टेन डी क्यू से करते हैं, और ये कहता है बैरी सेंटर, तो बैरी सेंटर से नीचे कितना है, टू फाइव फाइव डेलो, ऊपर क्या है, थ्री फाइव फाइव डेलो। पॉजिटिव नेगेटिव साइन की बात बाद में करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव साइन की बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल की सी एफ एस सी में आपको कोई एनर्जी लेवल का ऑर्डर पूछे कि एनर्जी लेवल का ऑर्डर क्या है, तो क्या है, ई जी सबसे ज़्यादा, फिर क्या है, डी एक्साइटेड स्टेट, फिर क्या है, टी टू जी, और फिर क्या है, डी ग्राउंड स्टेट। तो कई बार पेपर में ऐसा जाता है और हम एक्साइटेड समझ में नहीं पाते कि एक्साइटेड स्टेट कौन सी आएगी, अपन ने तो टी नहीं पढ़ी थी, ई जी, टी टू जी और डी, तो क्या ऑर्डर आएगा, ई जी, डी एक्साइटेड स्टेट, टी टू जी और जी ग्राउंड स्टेट। एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये चारों आ जाएंगे, एनर्जी के ऑर्डर क्या आ जाएंगे, ई जी, टी एक्साइटेड स्टेट, टी टू जी और जी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये बात कर ली हमने ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग की, ये बात कर ली हमने ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग की। अब बात करते हैं दूसरी क्यूबिक की, ऑक्टाहेड्रल की सी एफ एस सी की बात करी कि ऑक्टाहेड्रल में कैसे होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, अब हम बात करते हैं क्यूबिक की, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं क्यूबिक से, पहले अपन टेट्राहेड्रल की बात कर लेते हैं ना, वो ज़्यादा बेटर है, जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन पर कितना होता है, चार होता है, यानी कि चार लिगेंड अटैक करेंगे, चार लिगेंड अटैक करेंगे तो अपने को ऑक्टाहेड्रल की साइट अपने को पता है कैसी होती है, इस प्रकार से होती है ना, दो लिगेंड ये वाले, ये मेटल है, एक लिगेंड ये वाला, एक लिगेंड ये वाला, यही होता है ना, एक लिगेंड ये वाला, यही होता है ना। अब देखना इसे क्यूब में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, क्यूब में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये देखना, क्यूब में लिखूंगा तो एक लिगेंड यहां पे है, एल यहां पे है, तो दूसरा क्या है, इसके जस्ट अपोजिट ये वाला है एल, यही है ना। तीसरा देखना कहाँ होगा,
यदि ये इसमें है तो दूसरे क्या होंगे, इस प्लेन में होंगे, तो एक लिगेंड कहाँ होगा, यहाँ होगा, और एक लिगेंड कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, इससे क्यूब टेट्राहेड्रल को क्यूब में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ऐसे दो लिगेंड ये, दो लिगेंड ये। देखना समझ में आया ना कैसे करते हैं, आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, वैसे सभी को पता होगा लेकिन कैसे करते हैं जो नए स्टूडेंट हैं वो देख लेना। देखना ये कैसे स्ट्रक्चर है, दो लिगेंड यहाँ पे हैं और दो लिगेंड यहाँ पे हैं, ये टेट्राहेड्रल है ना, ये मेटल है, ये टेट्राहेड्रल है। देखना ये दोनों इधर, ये दोनों इधर, ये दोनों एक प्लेन में, ये दोनों एक प्लेन में, ये बिलो द प्लेन, ये अबो द प्लेन। मैंने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया तो ये लिगेंड यहाँ आ गया, ये लिगेंड यहाँ आ गया, ऐसे रोटेट कर दिया तो ये लिगेंड यहाँ आ गया, ये लिगेंड यहाँ आ गया, ये स्ट्रक्चर ये बनी है। ठीक है, बनी है। तो अब देखना, वही ये मेटल का पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड यहाँ से आ रहा है, इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन लग रहा है, और लिगेंड का क्या है, ये ऑर्बिटल है, और लिगेंड का यहाँ पे क्या लग रहा है, फील्ड लग रहा है। ये लिगेंड से कौन सा फील्ड जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो इस फील्ड को कौन महसूस कर रहा है, फील्ड थ्योरी नाम क्यों दिया गया, क्योंकि लिगेंड है और पॉजिटिव चीज है, इनके बीच में कूलंबिक अट्रैक्शन है। तो आपने पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इस फील्ड को कौन रिपेल महसूस कर रहा है, ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखना, ये लिगेंड है यहाँ पे, यहाँ पे है ना, ये लिगेंड है यहाँ पे, यहाँ से लिगेंड आ रहा है, सॉरी लिगेंड कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। इस बार लिगेंड कहाँ से आ रहा है, ये देखो, ये लिगेंड आ रहा है यहाँ से, यहाँ से ये फील्ड लगाता हुआ। तो लिगेंड यहाँ से आ रहा है तो ऑर्बिटल कौन से होते हैं, डी पांच ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ये तो कहाँ होते हैं, एक्सिस पे होते हैं, और डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स कहाँ होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ये तो सभी को पता है डी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखना, एक्सिस ये वाली है तो एक ऑर्बिटल के लोब तो कहाँ है, यहाँ पे है। देखना एक ऑर्बिटल के लोब तो कहाँ है, यहाँ पे है, और दूसरा क्या है, बिटवीन द एक्सिस, ये तो कहाँ है, एक्सिस पे है, ये एक्सिस है ना, ये दोनों तो क्या एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। तो एक ऑर्बिटल तो कहाँ है, एक्सिस वाले तो एक्सिस पे है, बिटवीन द एक्सिस वाले कहाँ है, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में। तो ये ऑर्बिटल कहाँ आएगा, ये आएगा ना। देखना दो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है ना, ये आ रहा है यहाँ पे, और लिगेंड कहाँ है, यहाँ पे, ये कहाँ है, यहाँ पे। डिस्टेंस देखना कितनी है, ये डिस्टेंस यदि मैं पूरी ए मान लूँ, इसकी एज लेंथ ए मान लूँ, तो ये कहाँ से आ रहा है, देखना ये लिगेंड आ रहा है यहाँ पे, बिटवीन द एक्सिस वाला, बिटवीन द एक्सिस वाला यहाँ पे आ रहा है, और ये आ रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है a बाई टू, तो ये डिस्टेंस तो हो गई a बाई टू, और ये डिस्टेंस कितनी है, एक फेस पे देख लो, ये फेस है ना, ये फेस है, एक लिगेंड आपका आ रहा है यहाँ से, तो एक लिगेंड तो आपका कहाँ है, और ये है आपका मेटल, तो एक तो आपका ये है और एक आपका ये है, ये डिस्टेंस तो कितनी है a बाई टू, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस है ना, या फेस मैं ऐसे बनाता हूँ, एक ऑर्बिटल तो आपका ये वाला है, एक आपका ये वाला है, लिगेंड आपका आ रहा है यहाँ से, समझ में आ गए, ये ऑर्बिटल है, तो ये डिस्टेंस तो a बाई टू है, ये डिस्टेंस कितनी है, ज़्यादा है, कितनी है, फेस सेंटर की डिस्टेंस होती है आपकी रूट टू ए, तो ये रूट टू ए बाई टू, ये कितनी है रूट टू ए बाई टू, और ये ए बाई टू, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, समझ में आ गई ना, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, तो रिपल्सन कहाँ ज़्यादा लग रहा है, यहाँ ज़्यादा लग रहा है ना, इस पे, तो यहाँ पे क्या होगा टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में क्या होगा, इनमें बिटवीन द एक्सिस रिपल्सन क्या होगा, मोर होगा, बिटवीन द एक्सिस रिपल्सन क्या होगा, मोर होगा, बिटवीन द एक्सिस रिपल्सन मोर होगा। तो देखना ये पहले यहाँ पे थे,
डी ग्राउंड स्टेट, सारे के सारे एक्साइट हुए, डी एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा, जो बिटवीन द एक्सिस थे उन पे रिपल्शन थोड़ा ज्यादा इनके कंपेयर में, तो ये कहां चले जाएंगे ऊपर, कौन बिटवीन द एक्सिस वाले तीनों, ये कहां चले जाएंगे नीचे, कौन अलोंग द एक्सिस वाले। यहां क्या है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये कौन है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये क्या है डेल टी। इस बार इसका नाम क्या देंगे, डेल टी, डेल का मतलब वही एनर्जी का, टी का मतलब टेट्राहेड्रल, टी किसके लिए है टेट्राहेड्रल के लिए, या इसे टेन डी क्यू, इसे नाम देंगे टेन डी क्यू, ठीक है। ये देखना वही बेरिसेंटर है, यही बेरिसेंटर है, तो नीचे इस बार कितने हैं दो और तीन, तो क्या कर दो अपोजिट कर दो, थ्री टू थ्री रेशियो टू, यानी कि थ्री अपॉन फाइव अपॉन टू अपॉन फाइव, ये तो कितना हो जाएगा थ्री अपॉन फाइव, और ऊपर कितना हो जाएगा टू अपॉन फाइव, ठीक है थ्री अपॉन फाइव और ये हो जाएगा टू अपॉन फाइव, ये एनर्जी एफ हो जाएगा डेल टी और डेल टी। अब देखना यहाँ पे सिंपली समझ में आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल में क्या था, ये लिगेंड था, ये ऑर्बिटल था, तो ये लिगेंड था, डायरेक्ट अप्रोच हो रही थी, डायरेक्ट अप्रोच हो रही थी, जबकि यहाँ पे क्या है लिगेंड किसी भी ऑर्बिटल पे डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है, क्या लिगेंड किसी भी ऑर्बिटल पे डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है, ये ऑर्बिटल यहाँ है ये ऑर्बिटल यहाँ है, लिगेंड बेचारा कहीं पर ही है, किसी के साथ भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा, दोनों के साथ पार्शियल इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए एनर्जी क्या होता है बहुत कम, वेरी लो, ये क्या होता है वेरी लो, बहुत कम होता है, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, इसलिए एनर्जी गैप क्या होता है बहुत कम होता है। और देखना एक चीज और, टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर ये होती है, तो इसमें टेट्राहेड्रल में इन्वर्जन सेंटर होता है क्या, टेट्राहेड्रल में इन्वर्जन सेंटर होता है क्या, नहीं होता। देखना ये लिगेंड यह है, इसके पीछे कुछ है क्या, नहीं है, ये लिगेंड यह है, इसके पीछे कुछ है क्या, नहीं है। जैसे ये लिगेंड है इसके इन्वर्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये लिगेंड है इसके इन्वर्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नहीं है ना, तो इसमें इन्वर्जन सेंटर नहीं होता, तो जिराडे और अनजिराडे की बात ही नहीं करते, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, सिर्फ ई, इसका सिर्फ टी टू, ठीक है ये याद रखना, इसका सिर्फ ई होता है, इसका सिर्फ टी टू होता है, यहाँ पे जिराडे अनजिराडे की कोई बात नहीं करते, क्योंकि स्ट्रक्चर में इन्वर्जन सेंटर होता ही नहीं है, ठीक है ये इन दोनों की स्प्लिटिंग है, टेट्राहेड्रल की और ऑक्टाहेड्रल की। अब देखना कंपेयर करते हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में अपन गैप कितना होगा, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में गैप कितना होगा, ठीक है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में गैप कितना होगा, ये समझ में आ गया ऑक्टाहेड्रल का टेट्राहेड्रल का। अब ये गैप देखते हैं कितना होगा, तो ये मैं बना रहने देता हूँ यहाँ तक, ये मैं बना रहने देता हूँ या फिर से बना लेंगे, है ना कितना होगा देखना, आपका इंटरेक्शन देखते हैं, पहले तो टेट्राहेड्रल की बात कर रहा हूँ मैं, टेट्राहेड्रल की, तो लिगेंड क्या है, यहाँ से इंटरेक्शन कर रहा है इस पे है, और ऑक्टाहेड्रल में क्या था लिगेंड डायरेक्ट अटैक कर रहा था, लिगेंड क्या कर रहा था डायरेक्ट अटैक कर रहा था, तो यदि इस लिगेंड को मैं डायरेक्ट यहां पे ले जाऊं, इस लिगेंड को यहां पे ले जाऊं, तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री है ना, ये तो क्या है टेट्राहेड्रल का है, और यहां से लिगेंड क्या होता है एक्सियल का, तो ये क्या होता है एफ ऑक्टाहेड्रल, और ये क्या है एफ टेट्राहेड्रल, ये क्या होता है एफ ऑक्टाहेड्रल, ये क्या होता है एफ टेट्राहेड्रल, है ना, तो यदि ये यहाँ पे आता या ये यहाँ पे जाता तो ये क्या हो जाता कोस थीटा, ये क्या हो जाता कोस थीटा, है ना, तो ये यदि यहाँ पे आता या ये यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे जाएगा तो एफ टी क्या हो जाएगा एफ नोट कोस 45,
कॉस 45 ये हो जाएगा ना। देखना ये लिगेंड यहाँ से अप्रोच कर रहा है टेट्राहेड्रल वाला, ऑक्टाहेड्रल वाला डायरेक्ट अटैक कर रहा था, यहाँ हो रहा था। यदि ऑक्टाहेड्रल को मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा तो एफ टी कितना हो जाएगा, एफ ओ इंटू कॉस 45, समझ में आ रहा है ना। ये यहाँ पे एफ नोट है तो ये एफ नोट यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा, एफ नोट कॉस 45। एफ नोट यहाँ पे एफ नोट है, इसका फैक्टर एफ नोट है तो ये यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा, एफ नोट कॉस 45, यही हो जाएगा ना। ये 45 डिग्री एंगल है और ये किसके बराबर है, एफ टेट्राहेड्रल के। तो एफ टेट्राहेड्रल कॉस 45 की वैल्यू यदि आप देखोगे तो क्या आएगी, 2/3। तो एफ टेट्राहेड्रल क्या आ जाएगा, एफ नोट 2/3 एफ नोट। यानी कि एक लिगेंड का इंट्रेक्शन टेट्राहेड्रल का वो ऑक्टाहेड्रल का 2/3 होता है। दैट्स मीन ये क्या है, इंट्रेक्शन इन टेट्राहेड्रल बाय वन लिगेंड, और ये क्या है इन ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में एक लिगेंड द्वारा जितना इंट्रेक्शन होगा टेट्राहेड्रल में उसका कम होता है, कितना कम होता है, 2/3। ये हमने यहां से निकाल लिया कि 2/3 होता है, ठीक है। अब देखना आपके पास ये तो आ गया 2/3, आपके पास एक फॉर्मूला यहां से आ गया कि जो टेट्राहेड्रल में इंट्रेक्शन होता है एफ टी वो एफ नोट का 2/3 होता है एक लिगेंड का इंट्रेक्शन। अब देखना ये क्या था, डेल नोट, ऑक्टाहेड्रल में यही था ना, ऑक्टाहेड्रल में यही था ना डेल नोट। तो सिक्स लिगेंड के कारण एनर्जी गेप कितना था, डेल नोट था। सिक्स लिगेंड के कारण एनर्जी गेप कितना था, डेल नोट था। तो एक लिगेंड के कारण एनर्जी गेप कितना होगा, एक लिगेंड के कारण एनर्जी गेप कितना होगा, डेल नोट बाई सिक्स होगा कि नहीं होगा, डेल नोट बाई सिक्स होगा कि नहीं होगा, डेल नोट बाई सिक्स होगा कि नहीं होगा, होगा ना, डेल नोट बाई सिक्स होगा एक लिगेंड के कारण, एक लिगेंड के कारण, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टेट्राहेड्रल के लिए निकालना है, टेट्राहेड्रल के लिए निकालना है। तो टेट्राहेड्रल का एक लिगेंड का इंट्रेक्शन कितना हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल के एक लिगेंड का इंट्रेक्शन इतना है, ऑक्टाहेड्रल के एक लिगेंड का इंट्रेक्शन इतना है, तो टेट्राहेड्रल का कितना होगा, देखना टेट्राहेड्रल का कितना होगा, टेट्राहेड्रल की बात करूं ये ऑक्टाहेड्रल के एक लिगेंड का है इंट्रेक्शन, यानी कि एफ नोट बराबर कितना आ गया, डेल नोट अपॉन सिक्स। एफ नोट कितना आ गया, डेल नोट अपॉन सिक्स। तो एफ टी कितना आ जाएगा, एफ टी कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू डेल नोट अपॉन सिक्स, 3 डेल नोट बट्टा 9 कितना आ जाएगा, डेल नोट अपॉन 9। अब देखना टेट्राहेड्रल ये होता है ना, टेट्राहेड्रल यही होता है, इसका एनर्जी गेप कितना होता है, डेल्टी, डेल्टी कितने लिगेंड की वजह से, चार लिगेंड की वजह से। एक लिगेंड का इंट्रेक्शन कितना होगा, एक लिगेंड की वजह से क्या होगा, डेल नोट अपॉन 9। देखना यहां पे डेल नोट था, इससे एक लिगेंड का इंट्रेक्शन कितना है, डेल नोट अपॉन 6। इनके एफ नोट कितना आ गया, डेल नोट अपॉन 6। एफ नोट डेल अपॉन 6 आ गया तो एफ टी कितना हो गया, डेल नोट अपॉन 9। तो यानी कि एक लिगेंड का इंट्रेक्शन डेल नोट अपॉन 9। तो लिगेंड कितने होते हैं, चार, चार लिगेंड का इंट्रेक्शन कितना आ जाएगा, 4 डेल नोट अपॉन 9। तो डेल टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 डेल नोट अपॉन 9, ठीक है। तो यहां से एक आपका आ जाएगा डेल टी इज इक्वल टू 4 अपॉन 9 डेल नोट, या फिर डेल टी वर्सेस डेल नोट अपॉन 4 अपॉन 9, ठीक है। ये आपका क्या है, 4 अपॉन 9 इसका क्या है, इसका एनर्जी गैप, टेट्राहेड्रल का एनर्जी गैप, ठीक है। अब बात एक और कर लेते हैं अपन छोटी सी, वो है क्यूबिक की। क्यूबिक का सेम ही इंट्रेक्शन है, देखना क्यूबिक का सेम इंट्रेक्शन है। क्यूबिक, क्यूबिक क्या है, एक क्यूब है,
क्यूबिक एक क्यूब है तो इंटरेक्शन क्या होगा, एक लिगेंड चार ठो कोने से आएगा, क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन भी कितना होता है 8 होता है, तो एक क्यूब में कौन 8 कहाँ है कोने हैं, तो 8 कोनों से इंटरेक्शन होगा। अब देखना टेट्राहेड्रल में क्या था, इंटरेक्शन तो वही था ना, टेट्राहेड्रल में भी वही था, कोनों से था, इसमें भी कोनों से ही है, टेट्राहेड्रल में भी कोनों से था, इसमें भी कोनों से ही है, तो फिर स्प्लिटिंग रिपल्सन तो वही लगेगा ना। देखना रिपल्सन तो लिगेंड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो आपका एक्सियल तो यही है और एक यही है, तो आपका रिपल्सन तो सेम लग रहा है, यानी कि वही होगा, पहले ग्राउंड स्टेट होगा फिर एक्साइटेड स्टेट होगा, है ना, फिर क्या होगा स्प्लिट होगा, तो रिपल्सन कॉर्नर से आ रहा है, तो अपन ने देखा था कॉर्नर में रिपल्सन कहाँ ज़्यादा लगता है, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस लगता है, तो बिटवीन द एक्सिस वाले ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे दोनों, है ना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, है ना, ये चले जाएंगे। इस बार इस एनर्जी के कप का नाम क्या होगा, डेल नोट डेल ओ सॉरी डेल क्यू सी, क्यूबिक, क्यूबिक के लिए डेल सी, वही ये क्या है बेरी सेंटर, नीचे कितना गया 2 है तो 3/5 डेल सी, ऊपर कितना गया 2/5 डेल सी। इस बार इसका नाम क्या देंगे, देखना ये है क्यूबिक मेटल के, इधर भी लिगेंड है तो इधर भी लिगेंड है, इधर भी लिगेंड है तो इधर भी लिगेंड है, इस बार इसमें इन्वर्जन सेंटर क्या है प्रजेंट है, तो टेट्राहेड्रल और हेक्साहेड्रल में पहला फर्क क्या है, टेट्राहेड्रल और क्यूबिक में यहाँ पे इन्वर्जन सेंटर प्रजेंट है, तो जिराडे और अनजिराडे क्या करेंगे लिखेंगे, तो ये आपका होगा ई जी, ये आपका होगा टी टू जी, डबली डिजनरेटेड सिंगली डिजनरेटेड, ये क्या है डी ग्राउंड स्टेट, ये क्या है डी एक्साइटेड स्टेट। दूसरा क्या फर्क है, डेल सी देखना कितना होगा, डेल टेट्राहेड्रल में ये क्या था डेल टी इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू या फिर डेल टी इज इक्वल टू डेल नॉट अपॉन 9, एफ टी इज इक्वल टू डेल नॉट अपॉन 9, यही आया था ना टेट्राहेड्रल में, यही आया था। तो यहां पे भी क्या है वही कोने से इंटरेक्शन है ना, वही कोने से इंटरेक्शन है, तो यहाँ पे भी यही आएगा डेल सी इज इक्वल टू डेल नॉट अपॉन 9, चीज तो वही है ना, एक लिगेंड का इंटरेक्शन तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, इसमें ले लो चाहे इसमें ले लो, इंटरेक्शन तो कोने से एक का निकले, फर्क क्या है वहां 4 लिगेंड थे यहां 8 लिगेंड है, 8 लिगेंड है तो डेल सी कितना आ जाएगा, वहां पे क्या था डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल नोट, क्यों था 4 लिगेंड थे, यहां पे लिगेंड कितने 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 8/9 डेल नोट, समझ में आ गए 8/9 डेल नोट, तो डेल सी कितना आ जाएगा 8/9 डेल नोट। तो पहला फर्क क्या है, ये एनर्जी गैप डबल है टेट्राहेड्रल का, दूसरा क्या है यहाँ पे जिराडे और जिराडे मेंशन होगा वहां पे नहीं होगा, ठीक है, तो यहां से एनर्जी गैप निकाले तो सबसे ज्यादा किसका आता है डेल नोट का, फिर क्या आता है क्यूबिक का, फिर किसका आता है टेट्राहेड्रल का, फिर किसका आता है टेट्राहेड्रल का, और ये जस्ट आपस में क्या होता है दुगुना, डेल सी इज इक्वल टू क्या होता है 2 डेल टी, क्योंकि इसमें 4 लिगेंड है, इसमें कितना है 8 लिगेंड, और जितने ज्यादा लिगेंड उतना ज्यादा इंट्रेक्शन, थ्योरी से समझना, जितना ज्यादा लिगेंड उतना ज्यादा इंट्रेक्शन, ठीक है। ये हमने भी किसकी बात कर ली, स्प्लिटिंग की, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिक की, ठीक है, थैंक यू।